स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। आप सभी का अभिनंदन। और सुबह हो गई है, आज फिर धूप तेज है। देखिए बच्चे तो अभी तैयार हो रहे होंगे, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, ऊपर आएंगे फिर अपने मम्मी के साथ ही ऊपर मेन रोड तक जाएंगे। मेन रोड पे जाके ही उनको बस मिलती है, बाइक से अभी नहीं जा रहे हैं। शाम को केवल मैं लेने के लिए जाता हूँ बच्चों को, अभी वो बस से ही जाते हैं। और देखिए आज भी कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली है। दिन भर धूप होती है तेज, और शाम के टाइम में अचानक से बादल और बारिश हो गई कल भी हल्की। आज फिर क्या होता है, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ रही है यहाँ भी। इस बार बच्चे आ जाएंगे तो फिर चले जाएंगे ऊपर। मैं तो अभी 9 बजे तक हूँ यहाँ पे, जब प्लांट में शिफ्ट वाले आ जाएंगे उसके बाद ही मैं जाऊँगा फिर। ठीक है, तो मिलते हैं आगे आप लोग से। दोनों आ गया तैयार होके स्कूल जाने के लिए। मम्मी आ रही हैं, चलो मम्मी को आने दो तब जाना। अभी टाइम है बस का, प्राय प्लांट के आगे में कुछ देर के लिए प्रैक्टिस कर ले रहा है बैडमिंटन की। बॉल मेरे पास सचिव पास है, तू भी आगे बच्चों को ले जाने के लिए जाओ। अल्लाह बैडमिंटन लेके जाएगा। हाँ कर लिया। अभी तो 3-4 मिनट पहले शिमला वाली बस गई है, अभी वो बस आने में समय है जिससे बच्चे जाते हैं। पहले जाना होता है, कभी पहले चले जाते, कभी देर से भी, इसके लिए चले गए बच्चे। अब पहले पानी है जो प्राकृतिक स्रोत से आता है, पीछे एक तरफ से बाहर अंदर है पीछे लगाए हुए, तो कभी तो बहुत तेज और कभी बिल्कुल सूख भी जाती है। और ये ठंडा के मौसम में गर्म होता है, गर्म के मौसम ठंडा और बहुत टेस्टी। और ये देखिए इसी बस से बच्चे जाते हैं, ये रोहरू के लिए जाती है बस। तो बैठा देगी बस में, बच्चे चले जाएंगे स्कूल, वहीं पे रुकी बस और चले जाएंगे नीचे। देखिए कितना अच्छा अच्छा मतलब पूरे कुछ कुछ में गुलाब है, कितना सारा है, बहुत सारा है, बहुत। तो पतिया नीचे ये देखिए जो पुराने गुलाब हो चुके हैं वो तो झड़ रही है सारी। साइड पे है उसमें भी है, बहुत अच्छा लगते रहता है शाम के टाइम में, तो और भी अच्छा लगते रहता है देखने में। और ये देखिए इसमें पिंक कलर का ये गुलाब है, इसमें बहुत खुशबू होती है, एक बहुत खुशबू है बहुत। और बच्चों को तो मैं छोड़ के आ गई, 8:20 तक घर से निकल जाना रहता है लेटेस्ट, क्योंकि 10 से 15 मिनट लग जाता है ऊपर मेन रोड तक जाने में घर से। धूप भी है यहाँ से, चढ़ाई भी है डायरेक्ट, तो इसीलिए। और इससे पहले मैं सारा काम करके गई थी, बच्चे नहा के जो गए थे तो कपड़े पूरे धो के मैं चले गई थी। और आगे अभी फैला दे रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका था बच्चों को छोड़ने का, तो मैं पहले सोची छोड़ के आ जाऊँ उसके बाद कपड़े फैला दूँगी। और ये भी आ गए हैं, तो वो पहले कपड़े फैला लेती हूँ, उसके बाद थोड़े चाय बना के हम दोनों आदमी पियेंगे आराम से बैठ के। और मेरा भी स्नान ध्यान हो गया है, पूजा पाठ में कर लिया। नीतू बना रही है खाना, खाना खा लेंगे उसके बाद आराम भी करना, फिर बच्चों को लाने के लिए जाएंगे 3 बजे के बाद।
अब मैं भी पूजा कर ले रही हूँ, भगवान के आगे जोत जला रही हूँ। मेरे लिए भी खाना आ गया है, बना ली तू, रोटी सब्जी और अचार, मैं भी खा लेता हूँ। मैं भी तैयार हो गया और बच्चों को लाने के लिए चल पड़ा हूँ। और देखिए इधर धूप का जलवा कितना एकदम चमकीला धूप है। कुछ देर के बाद सूरज छिप जाएगा बादल के ओट में, तब जाके इधर ठंड आएगी। वैसे नीचे में ठंड हो चुकी है। और इधर देखिए इधर बादल भी लग गई कल के जैसे, ये देखिए। अभी लग ही रही है, कुछ देर के बाद पूरी तरह लग जाएगी। बारिश हो जाए तो फिर ठंड हो जाएगी, ये दो दिन से ऐसे ही हो रहा है। चलिए मैं चल दिया हूँ अब बच्चों को लाने के लिए। बच्चे सब आ गए, छुट्टी हो चुकी है और मैं बाइक ले आता हूँ। अभी तो धूप ही है, बादल धान साइड में है भी। मेरे लिए भी खाना निकल गया है, राजमा और चावल साथ में अचार। फटाफट खा लेता हूँ, फिर ड्यूटी जाना है 8 बजे। पानी भी आ गया। ये तो खाना खा लिया, इनका खाना तो हो गया, और बच्चे और मैंने खाना खाई हूँ क्योंकि बच्चे अभी पढ़ाई करते हैं। ये तो खा लेते 7:30-8 तक खाना खा लेते हैं, और बच्चे इतना जल्दी नहीं खाना खाते क्योंकि उनको पढ़ाई करनी रहती है, तो वो लेट से थोड़ा आएंगे। और ये थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे ड्यूटी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको एक शुभ रात्रि।